यार इस कार में नेगेटिव ना, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं नेगेटिव सोचूं तो क्या सोचूं, ये कार उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया है, बनाया है। जिस आई थिंक जिस इंजीनियर ने इसको कार को बनाया, उसने बहुत मन से बनाई है ये कार। अभी देख रहे हो, छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। इनको सोचना पड़ रहा है कि इसके अंदर यार नेगेटिव है क्या, मतलब जबरदस्ती कुरेंद्र है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। दोस्तों बड़े दिन हो गए थे कि टाटा के टैंक से मिले हुए, ठीक है चलो एक बार फिर से आपको मिलवाता हूँ। मेरा भी दिल कर रहा था, ये है हेक्सा, और हेक्सा एक्चुअल के अंदर ही ये टाटा का टैंक ही बोला जाता है, चाहे आप भले ही मेरे पुराने दोनों वीडियो उठा करके देख लो। ये जो गाड़ी है ये रोहित जी की है, मेरे ही नाम राशि है दोस्त, ठीक है, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ रोहित जी आप अपनी गाड़ी लेकर के आए। रोहित जी कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है खुद को ही बुला रहे हैं। वेलकम, आपका चैनल में स्वागत है, इनवाइट करने के लिए। और इन्होंने ये गाड़ी कब ली थी आपने? मैंने ये 2018 में दिसंबर में उठाई थी, और 2019 कह सकते हैं 2019 में ली थी। उसके बाद से चलाने का मौका खैर ज्यादा नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन ही लगा रहा। 31,000 कुछ किलोमीटर ये चल चुकी है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है 31,000 किलोमीटर के अंदर, बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। 3 साल एक टाटा की गाड़ी के बारे में, मतलब 3 साल हो जाए तो भी एक्सपीरियंस शेयर करना आई थिंक वर्थ इट है। बिकॉज टाटा को लेकर अभी लोगों के दिमाग में थोड़ा डाउट है कि लूं कि ना लूं, वो थोड़ा क्लियर हो सकता है। बिल्कुल क्लियर हो सकता है। तो इनके साथ में हम अपना एक्सपीरियंस तो बताएंगे कि गाड़ी कैसी, साथ के साथ सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी आपको बताएंगे कि कैसा रहा टाटा का एक्सपीरियंस। आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी दी गई है वहां पर हमें संपर्क कीजिए, हम आपको जरूर कॉल करेंगे। आप अपनी गाड़ी की डिटेल्स वहां पे दे दीजिए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक और काम कर लो, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की एक गाड़ी है, और मैं बता दूं कि ये है ऑटोमेटिक गाड़ी है इनकी, बहुत ही कंफर्टेबल। लेकिन दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप इतने बड़े, मतलब हाथी है तो कैसे मैनेज कर लेते हो? एक्चुअली मेरे पास और भी कार्स हैं, स्कोडा रैपिड भी है, फोर्ड फिगो भी है। ये कार स्पेशली हमने हाईवे के लिए ली है कि हम जब ट्रेवल करते हैं तब के लिए एक कम्फर्टेबल कार होनी चाहिए। पीछे जिस पे हम, मेरे फादर की एज 50+ है, तो उस हिसाब से है कि इसको हम फ्लैट बेड भी बना सके, जब कभी उनको लेट के जाना हो वो भी हम फुलफिल कर सके अपनी डिमांड। तो ये कार में स्पेस बहुत खुली है, मोर ओवर चलने में बहुत अच्छी है, तो उसका पर्पस था इसको लेने का। शहर में ये काफ़ी कम चलती है, हाईवे पे ज़्यादा चलती है, तो इसलिए कम भी चली हुई है थोड़ी। ये गाड़ी बंद हो गई, दुख हुआ इस चीज़ का? बिल्कुल, इस चीज़ का बहुत दुख हुआ मुझे। सबसे पहली बात तो दुख हुआ कि रीसेल नहीं मिलेगी और पर उसका एक मेन ये चीज है कि मैंने रीसेल के लिए कार ले भी ली, मैं इसको बेचूंगा भी नहीं। तो बेचूंगा नहीं, मुझे खुद ही इसको गाड़ी को रखना है, तो उसका इतना दुख नहीं है। बट ये दुख है कि यार हमारे यहाँ अच्छी कार बिकती क्यों नहीं है, क्यों हर एक अच्छी कार बंद हो जाती है? जैसे फोर्ड भी चला गया, क्यों अच्छी कार क्यों बंद हो जाती है? बाहर से अच्छे से चूज करके लेते नहीं है। खैर मैं आपको ये बात बताऊं कि यार बड़ी बातें नहीं है ये, क्योंकि हेक्सा के ओनर जब भी हमें मिले हैं, जब भी, चाहे कहीं पर भी मिलो, चाहे राजस्थान के अंदर मिलो, चाहे उत्तराखंड के अंदर मिलो, कहीं पर भी जो मिले हैं वो सुपर सेटिस्फाई रहे हैं इस गाड़ी से, और गाड़ी है भी ऐसी। दुख हमें भी हुआ, रियर व्हील ड्राइव है, आजकल सफारी भी फ्रंट व्हील के अंदर आ गई है दोस्तों, कम से कम उसको भी रियर व्हील होना चाहिए था। एक ट्रेंड चला था कि यार एक SUV जो है ना वो है, तो उस चीज़ को धुंधलाना नहीं चाहिए, उस चीज़ को जुठलाना नहीं चाहिए, ठीक है कम से कम। खैर गाड़ी इसके ऊपर आ जाते हैं, ये आपने कितने में ली थी दोस्त? ये मैंने ली थी 20,50,000। 20 लाख के अंदर? हाँ। आपने ये गाड़ी 20.5 के अंदर आपने ये गाड़ी ली थी? बिल्कुल। और गाड़ियों के ऑप्शन थे आपके पास, XUV था आपके पास, मेरे ख्याल से इनोवा था, इन गाड़ियों के ऊपर क्यों नहीं गए? XUV एक्चुअली हमारा प्लान जब बड़ी कार लेने का, 7-सीटर लेने का बना, तो XUV का ही प्लान था। तो मैं कहा ठीक है पापा टेस्ला लेते हैं, पर अपने को ऑटोमेटिक चाहिए, हमें दिल्ली में हम रह रहे हैं बहुत जाम है, और इतनी बड़ी गाड़ी को बार बार क्लच ब्रेक कौन करेगा, तो हम ऑटोमेटिक पे जाते हैं। ऑटोमेटिक XUV 500 का चलाया तो इतना बेकार था, मतलब कोई एक्सपीरियंस ही नहीं आया कि कनेक्टेड कार हो। जैसे मेरे पास पहले स्कोडा रैपिड भी है, तो होता है कि आप जैसी कार आप चला लो, आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी अब जैसे स्कोडा की होती है तो वैसी कार ही पसंद आती है। तो मैंने उसके बाद पापा ये तो अच्छी नहीं है, पापा ने चलाई, उनको भी पसंद नहीं आई टेस्ट ड्राइव में, तो वो कार रिजेक्ट कर दी। फिर ऑप्शन था एक इनोवा का, अब उसकी ब्रांड इमेज इनोवा की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग अंधा दोनों उस कार को देखते हैं बिना ज़्यादा देखे कि फीचर्स मिल रहे हैं या कार इतनी सही है या नहीं। भाई साहब अपने थॉट्स में ना बड़े क्लियर हैं, ठीक है उस चीज़ के। अच्छा इनको एक और ये भी चीज़ भी, ब्रांड इमेज भले ही अच्छी है लेकिन वो
थोड़ी ओवर प्राइस भी आपको लगी, ओवर प्राइस भी है, ठीक है। तो कहां पहले डिफरेंस था इसमें, जाती थी, हाँ इसमें डिफरेंस था इन दोनों में, ये टॉप मॉडल है, उसके टॉप मॉडल में डिफरेंस था कोई 6-7 लाख का, तो मैं 6-7 लाख फालतू भरूं और उसके बाद मुझे कल को रीसेल ज्यादा मिले, तो आई थिंक रीसेल इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितना मैंने पहले बचा लिया। टाटा की सर्विस से डर नहीं लगता? सर्विस सेंटर उसकी रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है टाटा की, बट आई थॉट कि चल यार मैनेज कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज टाटा इज अ होम ग्रोन कंपनी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ सकती जैसे कि मतलब शेवरले के जाने के बाद लोगों को आई है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये बात। और टाटा बंद भी नहीं होगा, दूसरी बात पार्ट्स तो मिलते रहेंगे, मेन पार्ट्स मिलते रहने चाहिए, सर्विस तो बाहर से भी हो जाती है कई बार, सही बात, पार्ट्स पे कोई दिक्कत आएगी भी नहीं मेरे ख्याल से, आएगी भी नहीं होगी। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारी कार्स मैं ओन कर चुका हूँ, 4-5 कार ओन कर चुका हूँ, किसी में आज तक कोई कंप्रेसर या कोई जो मेन पार्ट्स होते हैं जो वारंटी में होते हैं उनको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी इस कार में अभी 2.5 साल पहले, मतलब 2.5 साल हुए थे, अब 3 साल हो गए, 2.5 साल के टाइम पे इसका कंप्रेसर खराब हो गया, कंप्रेसर खराब था, कंप्रेसर चेंज हुआ कार का, तो कंप्रेसर खराब हो क्यों रहा है ऐसी नई गाड़ी में? कुछ लोगों को सफारी में भी प्रॉब्लम आ रही, तो टाटा के साथ थोड़े से अनरिलायबिलिटी के इश्यूज हैं अभी भी, और बट ये है कि आपको कार सस्ते मिल रही है, अभी टाटा की फॉर्च्यूनर है जैसे, इस साइज की गाड़ी फॉर्च्यूनर आपको 40 में मिलती है, ये 20-21 में मिल रही है, तो पार्ट कहीं ना कहीं थोड़े सस्ते लगे, बट ठीक है, इतनी ज्यादा अनरिलायबल नहीं है कि आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम आएगी इस कार के साथ। ये अच्छी बात रही ना कि 2.5 साल के अंदर ही खराब हो गया, अंडर वारंटी, अंडर वारंटी। चलाने में मजेदार है? चलाने में ए क्लास है, अपने साइज के हिसाब से देखते हैं भाई साहब कितना सच बोल रहे हैं, चलाते हैं इस गाड़ी को, बाकी बातें जो है वो चलते चलते ही करते हैं, ठीक है। अब ये देखो बूट जो होना होता है वो ये होता है, बूट स्पेस ये यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक मेरा हाथ चला जाता है, और कैसे यूज किया जाता है वो इनसे सीखो। पूरा लबालब भरा हुआ भाई साहब सामान का, तो ये होता है एक प्रॉपर यूज जो गाड़ी का कैसे किया जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से ये परफेक्ट है यार। हालांकि पीछे आपने सीटें जो है वो हटवा रखी, नहीं नीचे डाउन करी हुई, डाउन करी, ये भी सही है यार। तो ये फ्लैट बेड टाइप सा बन जाता है, वो सीटें भी अगर फ्लैट हो जाती हैं तो एक तरीके से वो चीज़ बन जाती है। एक और अच्छी बात है इसके अंदर कि देखिए आप पिलर्स के ऊपर जो है पूरा एसी वेंट जो है वो दिए गए हैं, मतलब जो थर्ड रो के अंदर भी जो सवारी बैठेगी, मतलब जो भी आपके साथ में है वो अगर बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा ये रहता है उनके लिए। बेसिकली ऐसा होता है कि सिर पे हवा नहीं लगती है, अगर एसी पिलर्स जो ऐसे हो तो आप फेस पे ले सकते हो, चेस्ट पे ले सकते हो, जो बाकी कार्स में ऊपर की तरफ आता है ना तो उसमें ऐसा सिर पे लगती है हवा, तो उससे सिर दर्द काफी होता है। देखिए गाड़ी के अंदर यहाँ पर जो है वो शेड जो है वो भी दिए गए, ये देख रहे हैं कितना अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये काम की है चीजें काफी छोटी छोटी, लेकिन ये जो है सीट आपकी स्लाइड भी जाती है, पीछे भी आप कर सकते हो, लेग रूम अपना बढ़ा सकते हो, पीछे का बूट स्पेस आप बढ़ा सकते हो आगे करके, ठीक है, पीछे को लेग स्पेस चाहिए वो चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर 3 बंदे बैठा सकते हो। हालांकि ये जो है ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है, जो कि होता भी है हर एक गाड़ी के अंदर, लेकिन फिर भी आप 3 बंदे आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पर बीच के अंदर भी एसी वेंट जो दिए गए हैं, दरवाजों में भी एसी वेंट जो है वो दिए गए हैं इसमें, ये भी बड़ी अच्छी बात है दोस्त, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर आप इसको जो है वह हैंडरेस्ट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसके अंदर ग्लास रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खाने पीने का रख सकते हैं, यहाँ पर अपना मोबाइल वगैरह जो है वो रख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप अपनी जो भी बोतल वगैरह है वो भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर ग्लास वगैरह है वो भी चीज़ आ जाएगी, तो मतलब इस चीज़ को लेकर के भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भाई रोहित जी आपकी बहुत बड़ी सी गाड़ी है यार, ठीक है, और इस बड़ी सी गाड़ी को भी मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ, इन्वॉल्व 1 का जो है ये परफ्यूम है, कार परफ्यूम है, इतनी बड़ी गाड़ी को भी पूरा महका के रखता है ये, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारी गाड़ियों के अंदर फ्रेगनेंस कैसी आती है, तो वो ऐसी आती है, फ्रेंच वुड जो है वो फ्रेगनेंस है आपकी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के बहुत सारे फ्लेवर हैं इन लोगों के, वहाँ पर जाकर के अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे काफ़ी अच्छे हैं, तो ये आपके लिए एक गिफ्ट है। आपको एक और बात बता दूं कि ये ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के जो है ऊपर बेस्ड हैं, कि मतलब कि आपका कोई भी लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी भी है इनकी, और साथ ही साथ आप इसके अंदर जो है वो फ्रेगनेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कम या ज़्यादा जो है अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये दिखने के अंदर आपको बिल्कुल केक की तरह जो है वो लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है।
और ये काफ़ी है इस इतनी बड़ी हेक्सा जैसी बड़ी गाड़ी को भी महकाने के लिए। लिटरली इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है। हाँ, एक बार खोला भरी था तो काफी अच्छी जो है ना, वो काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और ये 3M का टेप भी आता है इसके अंदर, आप अपनी गाड़ी के अंदर लगा करके कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो सर ये आपके लिए हमारी तरफ से, इन्वॉल्व वन की तरफ से एक गिफ्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो जी जैसे आप पीछे बैठे हुए थे, हम थोड़ी सी चढ़ाई के ऊपर ही थे यहाँ पर, तो जो फ्रंट व्हील की जो गाड़ियाँ थी वो व्हील स्पिन मारती हैं। आपने देखा कि कितना इजीली चढ़ गई ये गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी को बिल्कुल ही, मतलब कि बगैर किसी जोर के। ये चीज़ देखते हुए जब सफारी जब आई ना, वो दुख हुआ थोड़ा सा कि इन्होंने सिर्फ हैरियर को ही थोड़ा सा बढ़ा दिया, फ्रंट व्हील के अंदर दे दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी यार। एटलीस्ट सफारी का एक बहुत ही मतलब कि वो नाम था, और अगर वो रियर व्हील के अंदर आती ना तो बहुत तगड़ा एडवांटेज होता उसको एक्सयूवी के ऊपर। ठीक है सी, ये कार ना जब मैंने ली तो मुझे पता लगा कि रियर व्हील ड्राइव है। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ रियर व्हील ड्राइव कार, बट जब पता लगा तो मैंने कहा यार ये तो एक एडवांटेज है। तो ये कार जब मैं अभी मैं रिसेंटली एक ट्रिप पे लेके गया था लद्दाख में, तो वहाँ पे भी कई जगह ऐसा मतलब रास्ता था कि लगा कि नहीं यार ये कार अगर नहीं होती ना तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अगर कोई हम हैचबैक लेके गए होते या कोई कॉम्पैक्ट सेडान भी लेके गए होते तो प्रॉब्लम हो जाती। ये फुल फ्लेज्ड फुल साइज एसयूवी है विद हाई ग्राउंड क्लियरेंस, थैंक्स टू द गियर बॉक्स और इंजन कॉम्बिनेशन इस कार का, या और रियर व्हील ड्राइव ऑल्सो, कि वो कार इतनी स्मूथली चलती है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मतलब मेरे को ऐसा हो कि नहीं अब तो हम गिरे नीचे या और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या कुछ, और अनस्टॉपेबल। इस चीज़ में कार एकदम टोटली रिलायबल है, और जो टाटा ने इस काम में इस कंपनी इस कार को बनाते हुए जो काम किया है टाटा ने, आई थिंक वो मतलब अप्रिशिएबल है बहुत ज़्यादा। और कोई कार टाटा की मुझे इतनी रिलायबल नहीं लगती जितनी ये कार है। तो जी सिंपल सी बात है, इस गाड़ी के अंदर जो टाटा अपने बॉडी रोल के लिए फेमस था सफारी वफारी के अंदर, इतना ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है दोस्त इस गाड़ी के अंदर। सरप्राइजिंगली इतना बॉडी रोल कैसे नहीं है, वो किस हिसाब से इन्होंने अपने सस्पेंशन वगैरह को ट्यून कर रखा है, वो बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये कार में एंटी रोल बार्स आती हैं, एंटी रोल बार्स की वजह से ही जो बॉडी रोल है इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो वो एक फीचर था जो मैंने कार लेने से पहले पढ़ा था कि इसमें एंटी रोल बार्स भी हैं, तो भारी कार है अगर मैं कट वगैरह मारना चाहूँ तो उसमें कोई इतना ज़्यादा बॉडी रोल नहीं होगा, झूलेगी नहीं कार, जैसे एक्सयूवी 500 में थोड़ा सा ज़्यादा है। यार ऐसा है कि हाँ ये थोड़ा सा अगर वेट कम होता तो तगड़ा रिस्पॉन्सिव और हो सकती थी ये गाड़ी, तो ये तो है। बट एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वेट है ना इसका, वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है मेरे लिए, कि जब मैं कभी हाईवे पे चल रहा होता हूँ तो मुझे कोई ऐसा कोई डाउट नहीं है कि यार कोई ट्रक आके मार देगा तो आई एम नॉट सेफ, या और किसी गाड़ी से तो खैर क्या ही टक्कर होनी है, खुद ही ट्रक है। तो आई फील वेरी सेफ कि इसका जो वेट है ना एक्चुअली वो ही मतलब लोहा जैसे बोलते हैं टाटा लोहा देता है, बिल्कुल। तो वो चीज़ है कि मतलब मैं बहुत सेफ फील करता हूँ, और ऐसी कार मुझे कोई भगानी तो है नहीं, इस साइज की कार को आप इतना भगा तो सकते नहीं है ना। वही मैं कह रहा था, जो आप ले लद्दाख के अंदर गए थे, ठीक है, तो जो पत्थर वगैरह जो थोड़े बड़े गिरते हैं ना, ठीक है, हाँ, वो ये फिर भी झेल जाएगी, बिल्कुल समझ रहे हो। लेकिन हाँ जो दूसरी है जो हल्की चद्दर दे रही है और जो इधर उधर का वो करती है, वो आपने टीवी के अंदर देख ही रखा होगा कि भाई किस मतलब क्या हाल होता है उनका। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कार लेने के यार 2-3 साल के अंदर पता लग जाता है कि कार में आपकी क्वालिटी कैसी लगाई गई है कंपनी के थ्रू। तो ये मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसमें कार में कहीं से भी कोई रैटलिंग की कोई नॉइज़ नहीं है, ज़ीरो नॉइज़ है इंटीरियर में, ज़ीरो नॉइज़ है एक्सटीरियर में। तो आई डो नॉट नो हाउ टाटा पुल्ड दिस ऑफ, बट ये कार उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको डिज़ाइन किया बनाया है। जिस आई थिंक जिस इंजीनियर ने इसको कार को बनाया उसने बहुत मन से बनाई है ये कार। मेरे को पता है क्या लग रहा है रोहित, कि ये जो गाड़ी है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही होगी, मे बी, जो मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि इसमें लागत ही उतनी आ गई होगी जिस हिसाब से ये वो चीज़ करते हैं, क्योंकि इनको इनोवा को अंडरकट करना था। अच्छा ये बताओ कि सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है इसकी? इसकी सर्विस कॉस्ट जो पड़ती है वो 7-8 हज़ार आई थिंक पड़ती है। मैं थिंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका जो गोल्ड आता है गोल्ड पैकेज पैक ले रखा है, बिल्कुल वो लिया था, और उसमें मेरी 2 सर्विस कवर थी, 2 साल कवर थे पहले,
और अब जो मेरी सर्विस होगी वो पहली सर्विस होगी जिसमें मुझे पैसे पे करने होंगे। नहीं तो जो पहली दो सर्विस हुई आई थिंक उसके मैंने पैसे पे किए थे कुछ 26,000 विद टैक्स, 26,000-27,000 ऐसा था, गोल्ड AMC पैकेज था। और उसमें मेरे को क्या था कि सारी चीज़ें कवर्ड होती है, जो टाटा का गोल्ड AMC पैक होता है, वाइपर ब्लेड्स, क्लच खराब हो जाए तो वो कवर होता है, कंप्रेसर या और मतलब जितनी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेक पैड मैंने इसमें कार में चेंज कराया फ्री ऑफ कॉस्ट, आगे वाले भी पीछे वाले भी। तो एक वो चीज़ की ज़रूर थी, मैं एडवांटेज उठा पाया। वाइपर ब्लेड्स भी मैं दो दो बार मैं बदलवा चुका हूँ, हर साल में एक बार, तो वो एक मेरी एडवांटेज थी। उसके अलावा जो सर्विस हुई है वो आई थिंक इसका जो कॉस्ट आती है वो 7,000-8,000 के बीच में आती है। अच्छा, कंपनी में करवाने से, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग कि कार का प्राइस ही कितना है भाई। आजकल जो बहुत फेमस गाड़ियाँ हैं ना पेट्रोल वाली, उनकी सर्विस इतनी आ जाती है, सच्ची बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, इस गाड़ी की अगर इतनी सर्विस कॉस्ट अगर आ रही है तो अच्छा बहुत होगी। पॉजिटिव नेगेटिव बताओ कि भाई क्या गाड़ी के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है। यार इस कार में नेगेटिव ना मैं सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं नेगेटिव सोचूं तो क्या सोचूं, जो साइड वाले मिरर्स भी हैं आउटसाइड मिरर वो भी इतने बड़े हैं कि सब दिखता है उनमें। हर किसी गाड़ी में प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो उस चीज को हमें माइंड में लेके चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, दिल खोल करके इन्होंने गाड़ी के बारे में बताया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो कुछ है ही नहीं वैसे, हमें भी नहीं लगता गाड़ी के अंदर बुरी वगैरह चीज़ क्या है। अभी देख रहे हो कि छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर, इनको सोचना पड़ रहा है कि इसके अंदर यार नेगेटिव है क्या, मतलब ज़बरदस्ती कुरेंद्र हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। तो ये भी एक तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यार इस गाड़ी का। ये टच स्क्रीन का कोई फ़ायदा नहीं कि ये 10 इंच है या 15 इंच है या 20 इंच है, इसका कोई फायदा नहीं। मुझे साइज से इसका इशू नहीं है, इशू है लेगिनेस से। आप अगर देखोगे इसको चला के, तो अगर आप फिंगर से स्वाइप करो तो ये देखो कितना स्लो है, ये तो चल ही रहा है, ये बटन प्लस माइनस आप देख रहे हो कितना लैग आ रहा है आइकन्स चेंज होने में, ये एक इशू है। अगर ये जो चीज है इसको टाटा चेंज कर देता और 10-15 हज़ार पे कार की कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती तो मैं पे कर देता, कौन सा फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 20 लाख मैंने पे करे 15 हज़ार और पे कर देता, तो उस चीज को इनको अच्छा रखना चाहिए था। साउंड सिस्टम तो मस्त होगा इसका, साउंड सिस्टम इसका नो डाउट बहुत अच्छा है, JBL का आता है इसमें। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे क्रेटा में या सेल्टोस में आता है उसमें अच्छी क्वालिटी का बोस का सिस्टम आता है। वेल दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और दिल से बात बताऊं, सच्ची सच्ची बात बताऊं तो वीडियो तो एक बहाना था, एक्चुअल में टाटा का टैंक चलाना था। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़े दिन हो गए थे और ये गाड़ी चला करके फिर से मेरे को मजा आ रहा है कि हाँ भाई सही चीज थी, बंद हुई, चलो जो भी हुआ जैसा भी हुआ लोगों की पसंद नापसंद के ऊपर है, लेकिन अभी भी ऐसी बातें हैं कि कुरेंदनी पड़ रही हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या कमी क्या है गाड़ी के अंदर। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंची हो सकता था, लेकिन इसके अंदर पावर टॉर्क वगैरह भी मतलब कि बेइंतहा दिया गया है, लेकिन इसका वेट भी बेइंतहा है। ठीक है, लेकिन वही कहीं ना कहीं इसको सॉलिड भी बना रहा है, तो वो चीज़ भी थोड़ी सी ढक जाती है वहाँ पर। खैर वेल थैंक यू सो मच रोहित भाई, आप आए अपनी इस गाड़ी को लेकर के, बड़ी सी गाड़ी को लेकर के, मजेदार। और आप इसको लंबा रखोगे मेरे ख्याल से, तो डेफिनेटली इसको मैं जब तक मेरा कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं किसी लग्जरी कार पे शिफ्ट हो जाऊं, तब तक मैं इसको रखूंगा, बिकॉज इससे परफेक्ट 7-सीटर मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऐसा कार है जिसमें मैं अपना पैसा लगाऊं। बिल्कुल ठीक बात है, और सबसे तगड़ी बात की आजकल जो परफेक्ट जो थी ना वो फ्रंट व्हील हो गई है। बिल्कुल, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी मैसेज के साथ कि अगर 4-व्हीलर चलाते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी भी गाड़ी हो, ठीक है, सीट बेल्ट जरूर लगा लिया करो। 2-व्हीलर अगर चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहन लिया करो, आपके चलान से भी बचोगे और आपकी जान भी बच जाएगी। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी मैंने रिसेंटली एक फोर्ड फिगो परचेज करी सेकंड हैंड। अच्छा जी, वो आपकी मैंने वीडियोस देखने के बाद ही मेरा माइंड मेकअप हुआ उसके लिए। अच्छा, कि फोर्ड की जैसे आप तारीफ करते हो, नहीं तो फोर्ड इकोस्पोर्ट मुझे काफी पसंद थी, बट मैं कभी भी फिगो के लिए नहीं जाता। अच्छा, और आपकी वीडियोस देख के मुझे उस कार के बारे में नॉलेज मिली, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये कार मार्केट में आती है और अच्छी भी है। तो आपकी कार देख के, थैंक्स टू यू आप ऐसी वीडियोस बनाते रहते हो, तो मुझे पता लगा वो वीडियोस देख के कि फोर्ड फिगो एक बहुत अच्छी कार है, और मैंने उसको परचेज किया अभी सेकंड हैंड में। तो आई एम वेरी हैप्पी, अंदर से खुश हूँ कि यार इतनी अच्छी कार मुझे इतनी अच्छी डील में मिल गई।
तो थैंक्स टू यू, प्लीज ऐसे आप अपना काम कंटिन्यू करो, लोगों के लिए आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, इतनी अच्छे तरीके से आप कवर करते हो, एक्सपीरियंस तो आप लोग ही असली शेयर करते हो, नहीं जरिया है बस। देखो मुझे कार के बारे में सब कुछ पता है, मेरी कार के बारे में, बट उसको मेरे अंदर से निकालना कैसे, वो भी छोटे से छोटे टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई ये प्रशंसक शब्द सुन के, आप डिजर्व करते हो ये सर। खैर तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको बता ही दिया सीट बेल्ट हेलमेट वगैरह का, आप भी चाहते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना, लोगों की बड़ी हेल्प होती है, इनडायरेक्टली आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हो, आपको पता भी नहीं है। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत। चीज़ मैं और ऐड करना चाहता था इस वीडियो में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस कार के जो टायर्स हैं वो 19 inches के हैं, वो एक पॉजिटिव भी है इसके लिए। ठीक है मुझे बहुत इन टायर्स ने हेल्प करी जब मैं लद्दाख के ट्रिप पे था, और ये टायर्स बहुत बढ़िया हैं, बट एक ही इशू आएगा इसमें कि जब मैं इन टायर्स को चेंज करवाऊंगा ना तो मुझे पता मेरे बहुत पैसे लगने वाले हैं।